हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि बिहार विधानसभा में जो है टोटल जो है 5 प्रकार की पोस्ट के लिए बहाली होने वाली है, जिसमें एक प्रकार की पोस्ट यह है कि अगर आप सिर्फ 12वीं पास, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है, 12वीं पास के बाद आपने कोई पढ़ाई नहीं की, 12वीं पास करके आपने छोड़ दिया, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं पास रखा गया है। कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 12वीं पास रखा गया, ठीक है। एंड 12वीं पास के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ 12वीं पास हो आप, ठीक है, आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं है, बट 12वीं पास जो है आप बिहार विधानसभा में जॉब कर सकते हो। इतनी अच्छी पोस्ट है, वो भी ऑफिशियल आपका जॉब होने वाला है, बहुत ही अच्छी जॉब है एंड सैलरी भी आप लोगों को बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई जरूर कर देना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपका जो भी हो, बट मैं तो कहूँगा कि आप अप्लाई जरूर करें। 100-150 रुपये का फीस होता है, ज़्यादा फीस भी नहीं होता है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या सैलरी मिलने वाली है एंड एज का क्राइटेरिया क्या है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो भी बताऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही बताऊंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 100% सही होता है, किसी भी तरह की कोई फेकनेस वाली बात नहीं होती। तो मैं जो भी बताता हूँ जिस किसी वैकेंसीज के बारे में, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उस ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाना चाहूँगा। एंड इससे पहले कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा जब तक बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे, नोटिफिकेशन नहीं आएगा। डेली बेसिस पे मैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट देता रहता हूँ, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उस ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाना चाहूँगा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है एंड इसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो विधान परिषद, बिहार विधान परिषद .gov.in है, ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। एंड यहाँ पे 6 प्रकार की वैकेंसी आई थी टोटल, मैंने बताया था 6 प्रकार की वैकेंसी, जिसमें अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया था, ठीक है। तो मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ आपको, वैकेंसी नंबर 6 के बारे में बताने जा रहा हूँ, 06 है, इसमें जो है सिर्फ 12th पास के लिए मांगा गया है कि अगर आप सिर्फ 12th पास है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, जो 06 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करता हूँ, फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद जो है आपको इस पर क्लिक करना होगा, नोटिफिकेशन नंबर 06 पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को एक सामने जो है एक नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। डाउनलोड होने के बाद कैसा दिखेगा मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं डाउनलोड करता हूँ। आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जिसके टॉप में लिखा होगा बिहार विधान परिषद सचिवालय, यानी सचिवालय में आप लोग को जॉब करना है, आप लोग का जो काम जो करना है वो सचिवालय में करना होगा, राइट। एंड एप्लीकेशन ऑनलाइन जो हो रहा है एक्चुअली 19 तारीख से स्टार्ट होगा, अभी 19 तारीख जो आने वाला है इसी मंथ, 19 तारीख से स्टार्ट होगा, 1 वीक में आप लोगों का जो है ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अभी ऑनलाइन नहीं करना, बहुत सारे लोग देख के ही ऑनलाइन करने चले जाएंगे, लेकिन नहीं, 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। एंड लास्ट डेट जो है देख सकते हैं 8/9/2019 से 9वें महीने की, आप 8वीं तारीख तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट्स याद रखना, डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होता है किसी वैकेंसीज के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ नोट्स दिया गया है कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करो तो इस नोट्स को जरूर पढ़ लेना, जब भी आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे इस नोट्स को पढ़ लेना ऑनलाइन करने से पहले। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है कि डेट्स के बारे में, डेट्स मैंने बता दिया, अब किस पोस्ट के लिए बात हो रही है, जैसे आप सिर्फ 12th पास की बात हो रही है कि अगर आप 12वीं पास है तो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो किस पोस्ट के लिए, पोस्ट नेम देख सकते हैं, सुरक्षा प्रहरी है कि गार्ड का, एज ए गार्ड होता है, गार्ड के लिए जो रिक्रूटमेंट है। एंड लेवल जो है, सैलरी जो मिलेगी लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगा, अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग जो अलग अलग सीट्स डिवाइड किया गया, OBC हैं, SC हैं, ST है, जनरल है, EWS, सबका जो है सीट्स डिवाइड किया गया कास्ट के अकॉर्डिंग, तो वो आप चेक कर लेना कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, इसी में मेंशन किया हुआ। एंड नेक्स्ट जो बात आती है वो फिजिकली फिट, सपोज करें आप गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिकली फिट होना तो कंपलसरी है ना, अगर फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिजिकली फिट्स में कुछ पैरामीटर्स दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या फॉलो करना है, पुरुष अगर मेल हैं तो क्या हाइट होनी चाहिए, फीमेल की क्या हाइट होनी चाहिए, सब इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ, आप एकदम गौर से पढ़ना है इसको। मैं आपको सैलरी के बारे में बताता हूँ कि सैलरी क्या है, देखो इसमें क्वालिफिकेशन तो 12th है मैंने बताया था, अब सैलरी के बारे में बता दूँ, देखो सैलरी जो है आप लोगों का 1900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक की भी सैलरी होने वाली है, एंड जो भी नियमानुसार है प्लस अन्य भत्ता वगैरह जो मिलता है वो मिलेगा, राइट।
उसके बाद जो है आरक्षण के बारे में बता दूं। देखो आरक्षण क्या है कि आप जिस किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप आरक्षण का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, एंड अदर जहाँ पे आरक्षण मिलता हुआ या रिलैक्सेशन जो मिलता आया वो मिलेगा ही, ठीक है, इसमें कोई ना मिलने वाली बात है नहीं। एंड उसके बाद जो है एज की बात कर लेते हैं हम, क्या क्या एज लिमिट क्या है। देखो एज लिमिट क्या है, 1/1/2019 को जो है कम से कम आपकी एज जो है 18 साल होनी चाहिए, एंड अगर आप उसके बाद जो अनारक्षित, अगर आप जनरल कैटेगरी से, मैक्सिमम एज की बात हो रही है तो 37 ईयर मैक्सिमम कैटेगरी है, अगर जनरल से है तो मैक्सिमम 37 साल होनी चाहिए, अगर आप OBC SC से पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग से हैं तो 40 साल होनी चाहिए पुरुष एवं महिला दोनों के लिए, ठीक है, अगर आप अनुसूचित SC ST हैं तो 42 साल होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया है, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की। देखो एग्जामिनेशन पैटर्न मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम जो होगा आपका उसमें थोड़ा सा रनिंग भी आपका होगा, तो आपका रनिंग भी जो उसमें होगा प्लस उसके रनिंग के बेस पे मेधा सूची बनेगा, जो एग्ज़ाम होता है PT और मेंस वही होगा इंटरव्यू पे, एंड रनिंग वगैरह होगा उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम एग्जामिनेशन फ़ीस की, ये काफ़ी मायने रखता है। देखो एग्जामिनेशन फ़ीस में बताया गया है कि आप जैसे आरक्षित हैं, ठीक है, या अनारक्षित हैं, ठीक है, या 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं, ठीक, आप जैसे फिजिकली चल रहे हैं तो आपको ₹150 पे करना होगा, ठीक है, तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि का भर्ती, उसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ₹600 फीस के रूप में पे करना होगा, ठीक है। अब एक बार और देख लो, राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला या महिला, लेडीज़ भी है फिर भी, आरक्षित या अनारक्षित एवं 40% या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ₹150, बाकी के लिए ₹600, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद ऑनलाइन कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ से जाके जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू ऑनलाइन कर सकते हो, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है इसको पढ़ लेना ऑनलाइन करने से पहले, एंड सिर्फ 12th पास की जॉब है, अगर आप इस जॉब के लिए करना चाह रहे हो तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना, 19 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, एंड इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके पूछ सकते हो, एंड उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।